हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सौरभ सुभदा प्रधान। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी तो शाम हो चुका है और मुझे डिनर की तैयारियां भी करनी है। आज जल्दी जल्दी डिनर बनानी है क्योंकि आज सौरभ को मुझे थोड़ा पढ़ाना है, उसका स्कूल का प्रोजेक्ट भी है और बहुत सारे होमवर्क्स है, इसलिए उसके पास बैठना पड़ेगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी डिनर बना रही हूँ। उधर देखिए सौरभ बैठ के उसका बुक सेल्फ को क्लीन कर रहा है। आज सुबह डांट पड़ा था इसीलिए मैं पास में जाके दिखाती हूँ आपको सौरभ कैसे क्लीन कर रहा है उसका बुक सेल्फ। यहाँ पे देखिए सौरभ बैठ के अपना बुक सेल्फ को क्लीन कर रहा है। अच्छे से क्लीन करो बाबा, आज सुबह डांट पड़ा था इसीलिए उठ के अभी सारा बुक निकाल के फिर बुक सेल्फ को क्लीन कर रहा है। क्या है में काकरा पिठा बना रही हूँ। काकरा पिठा के लिए मैं ऑलरेडी डो बना के रखी हूँ, उसका अच्छा सा शेप दे के पिठा बनाऊँगी। फिर ये चना दाल और आलू को, चना दाल को भिगो के रखी थी 2 घंटा, और अब चना दाल आलू का करी बनाऊँगी और खीर बनाऊँगी। मैं आज ये सब क्यों बना रही हूँ मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या हुआ बताओ, बोलो क्या हुआ, क्या हुआ बोलो। हो गया आपका? हाँ, हो गया। क्लीन करना हो गया? हाँ हो गया। गुड बाय, गुड बाय, चलो। ये चना दाल और आलू को एक सीटी लगाने में उसके बाद उसका करी बनाऊंगी। आज मैं ये सब इसलिए बना रही हूँ कि आज मेरी उड़ीसा में एक स्पेशल फेस्टिवल था, मतलब उस फेस्टिवल का नाम है शाम्बदशमी। शाम्बदशमी में स्पेशली सूर्य देवता का पूजा होता है, लेकिन गांव में मेरी सासू माँ वो पूजा करते हैं और यहाँ पे मैं नहीं करती हूँ। फिर भी ससान जी आज बोल के गए थे कि आज शाम्बदशमी का पूजा है तो आज कुछ अच्छा बनाना डिनर में, डिनर में मतलब बोल रहे थे सुबह बनाने के लिए, लेकिन सुबह मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैं अभी बना रही हूँ। ससान जी अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं और उनके आने तक मेरा डिनर बनाना भी कम्प्लीट हो जाएगा। Thank you.
ये सारा काम करने के लिए ना एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन मेरे घर में तो कोई भी नहीं है, सारा काम मुझे अकेले ही करने के लिए पड़ता है। और तो फिर मैं कर रही हूँ, क्या करूँ, इधर खाना बनाना, उधर सौरभ का पढ़ाई, सब कुछ आते टाइम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। काकरे पिठा का रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं शेयर की हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़, आपको अगर ये रेसिपी चाहिए तो आप फिर मेरे चैनल में सर्च करके देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट भी है ये वाला पिठा। जल्दी से फिनिश करो बाबा, पढ़ाई करना है। ठीक है, आप जाइए, अपना पिट्ठा रखिए। हाँ, आप जल्दी जल्दी फिनिश करो। मेरा बेटा तो गुड बॉय बन गया है। अभी मैं काकेरा पिट्ठा मेरा बन गया है और यहाँ पर चना दाल के लिए मैं अभी मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं आज प्रेशर कुकर में खीर बनाऊंगी। खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैं ली हूँ अब बासमती राइस, ये हमारे गांव से ही आया है। इसमें मैं आज खीर बनाऊंगी। अभी मैं चावल में थोड़ा सा पानी दे के उसको 2-3 सीटी के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद उसमें मैं दूध और शुगर ये सब ऐड करें। वैसे प्रेशर कुकर में खीर बनाने से थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसीलिए मेरे पास टाइम भी कम है, इसीलिए मैं आज प्रेशर कुकर में ही खीर बना रही हूँ। यहाँ पे मेरा मसाला भी तैयार हो गया है। मसाला भी तैयार हो गया है। मैं अभी जो बॉईल करके रखी थी चना दाल और आलू, मैं अभी इसमें ऐड कर लूँगी। अभी 5-10 मिनट में अभी करी भी बन गया है। अभी मैं उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देती हूँ। अभी ये राई चावल के बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी यहाँ पे देखिए सौरभ भी बैठ के आया गया है पढ़ाई करने के लिए। मामा, पापा कब आएंगे? आ जाएंगे बाबा, आ जाएंगे। शशांक जी अभी तक नहीं आए ऑफिस से। बाबा फोन किए थे ना, कितने बजे आएंगे बोले बाबा? पता नहीं, पता नहीं।
मैंने तो शिव ने बोला था कि काजू और दूध लाने के लिए। काजू और दूध लाने के लिए अभी तो ससंग जी नहीं आए हैं ऑफिस से, उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर तब तक के लिए मैं सौरभ को थोड़ा होमवर्क दे देती हूँ, वो बैठ कर होमवर्क करेगा और उधर उसका होमवर्क चलेगा और उधर मेरा खाना भी कंप्लीट, बनाना भी कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ाई करो बाबा, पढ़ाई करो। क्या पढ़ाई के टाइम नींद आ रहा है आपको? अभी तो सो के उठे हो। देखिए मोटी बच्चा को पढ़ाई के टाइम नींद आ रहा है। ससंग जी के लिए अभी चाय भी रेडी है, ससंग जी आ गए हैं ऑफिस से। इस साइड में मैं खीर बना रही हूँ, खीर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, पहले मैं उनको चाय दे देती हूँ, उसके बाद जो करना है करूँगी। अभी मेरा डिनर बनाना कंप्लीट हो गया, मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए काकेरा पिठा और यहाँ पे चना दाल और आलू का करी, यहाँ पे देखिए खीर, इसमें से स्मोक निकल रहा है ना, इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। खीर बनाने के टाइम राइस को बॉईल करने से पहले उसको थोड़ा घी में फ्राई कर लेने से खीर का कलर बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में भूल गई थी वो उसको फ्राई करने के लिए। लेकिन आप लोग जब भी प्रेशर कुकर में खीर बनाने का प्लानिंग होगा आपका, आप लोग पहले उसको फ्राई कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कलर आता है फ्राई कर लेने से, थोड़ा रेडिश रेडिश कलर आता है ना, बहुत अच्छा दिखता है खीर। जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में मैं भूल गई उसको पहले फ्राई करने के लिए। सो गाइस, मेरा तो आज का डिनर भी कंप्लीट हो गया है बनाना, और मैं जा रही हूँ अभी सौरभ को पढ़ाने के लिए, और नटी बच्चा उधर बैठ के बदमाशी कर रहा है। तो सो मैं आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सौरभ भी बोल रहा है, वो थोड़ा बाय बोलेगा आप लोगों को। बोल लो बाय एवरीवन। थोड़ा बाबा को भी तो बोलिए बाय एवरीवन को। नहीं पापा नहीं बोले, मैंने बोली है ना। ओके ओके, बाय बाय।